इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन कमीशन, सबसे पहली चीज आर्टिकल यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट इज आर्टिकल 324। क्या है ये? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि किसके लिए काम करती है? इलेक्शंस करने के लिए, भारत में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए ये काम करती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सेंट्रल लेवल पे भी एंड स्टेट लेवल दोनों लेवल पे काम करती है। ठीक है, सेंट्रल में किसके इलेक्शंस कराती है? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराती है, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, लोकसभा के, ठीक है, ये सब कराती है। स्टेट लेवल पे ये चीफ मिनिस्टर के लिए कराती है, ठीक है, एमएलएस के लिए कराती है, सब कराती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के नोट करो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट डील विद इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएगी, राइट? ये चीज याद रखिएगा। तो अब ये सवाल आता है कि भाई जब ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं कराती तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराते हैं? बताएगा कोई आपने से? मैम जो पंचायत का चुनाव होता है, हाँ बोलो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के सुझाव पे मैम किया जाता है। तो वो कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो इंडिया की नहीं कराती, हर स्टेट की सेपरेट इलेक्शन कमीशन कराती है। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, ये बाद में डाला गया, ये 1992 में डाला गया, ठीक है भाई, पहले ऐसा था नहीं, बट फिर बाद में इसको जो है एड ऑन किया गया था। तो याद रखिएगा, इनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, लिख लीजिए इसके बारे में। फिर इनका टेन्योर भी लिखेंगे, कितने सालों के लिए हो सकते हैं। इनका कुछ टेन्योर रहता है 6 years और 65 years। लिख लीजिए भाई, 6 years और 65 years, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और इनकी पावर्स यही हैं कि सारी चीजों को कंडक्ट कराना, सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, ये सारी इनकी पावर्स होती हैं, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है सिंबल देना, इलेक्शन सिंबल देना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना, वो सारा काम इनका होता है, ठीक है, याद रखिएगा सारा इनके बारे में। इसके अंदर जो है एक मेन इलेक्शन ऑफिसर होता है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सब लोग प्रेसिडेंट, सबको यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, प्लस कौन होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, अदर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं भाई, तो वो भी यहाँ पर रखे जाते हैं। ये सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है भाई। मैम आई हैव वन डाउट। हाँ जी। जो इलेक्शन होता है 5 सालों पे होता है मैम इनका, लेकिन
इनका जो टेन्योर है 6 इयर्स है वो समझ में नहीं आया। इनको क्या मतलब 6 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, इनको तो इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, और हर 5 सालों बाद भी नहीं होता, पहले कभी सरकार पहले भी गिर जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि 1950 से लेकर के अभी तक 2021 तक सारे 5-5 सालों में हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर याद रखिएगा कि हर 5 सालों में इलेक्शंस नहीं होते हैं, बीच में सरकार भी गिर जाती है, और वैसा बहुत बार हुआ भी है। तो जो इलेक्शंस है वो फिर उनका टाइम पीरियड अपने हिसाब से चलता है। इनका टेन्योर 6 इयर्स हमेशा से रहा है, और इलेक्शन कमीशन का 6 इयर्स है, लेकिन इलेक्शन आपके 5-5 इयर्स में भी होते हैं, तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि सरकार पहले भी गिर जाती है, 2 साल में भी हो जाते हैं इलेक्शन, तो वो तो सब मैटर डिपेंड करता है। समझे बात? यस मैम। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।